हम बीजेपी के सब दिन से वोट देते हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता भी हूँ। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी हैं? हाँ, आज केशव जी यही क्षेत्र में घूमते थे तो हम लोगों के यहाँ खाना खाते थे। अच्छा, अच्छा। आज हम लोग जाते हैं तो वहाँ सुन नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे गोहनिया। इधर दर्शकों को दिखाइए, यहीं पर बुलडोजर चलाने की जो है कोशिश की गई है, किसानों ने यहाँ पर रोका है। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर बुलडोजर चला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं बुलडोजर चला हुआ है। आपकी जमीन भी गई है इसमें? हमारी जमीन भी गई है। कितना गया आपका? हमारी लगभग 1.5-2 बीघा की है। अच्छा, आपका पैसा आया? नहीं आया, अभी नहीं आया। नहीं आया। अच्छा, इसलिए नहीं आया कि हम लोग उसका पूछा, पूरा नोटिफिकेशन मांग रहे हैं कि पूरा हमारा दीजिए और उचित मुआवजा दीजिए। ये मुआवजा हम नहीं लेंगे। हम किसानों ने बोया, जोता, फसल बड़ी हो गई, तब तक आप तो नहीं बताएं, अचानक आप बुलडोजर ले आकर के किसानों का फसल रौंदवाना शुरू कर दिए हैं। और आज भी अधिकांश लोगों को ने अपने कागज भी नहीं दिए, उनको नोटिस भी नहीं मिली हुई है। और नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं किसानों के पास आया हूं और आखिर किसान जसरा बाईपास में जो ज़मीनें जा रही थी उसको देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्यों ये लोग अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? क्यों किसान नेता यहाँ पर आ करके डटे हुए हैं? आखिर किसान यहाँ तंबू तानने के लिए, पन्नी जो है रखने के लिए, पन्नी के नीचे बैठने के लिए भीषण ठंडी है, उसके बावजूद क्यों मजबूर है? आइए इनसे बात करते हैं, किसान नेता हैं यहाँ पर, इनसे शुरुआत करेंगे। पहले क्या नाम है आपका? के मिश्रा। क्यों आप लोग यहाँ पर आए हैं? यहाँ जसरा बाईपास के लिए 6 गांव की ज़मीन अधिग्रहित की गई है। हाँ। जिसमें किसानों की कोई सहमति नहीं ली गई, न किसानों को ये बताया गया किसकी कितनी ज़मीन जा रही है। हाँ। और कितना पैसा किसको मिलेगा। हाँ। ये भी नहीं। सब ये जो राजस्व विभाग के लोग हैं अपने घरों में बैठ करके, ऑफिसों में बैठ करके और सारा कागज़ तैयार कर लिए और किसानों के पास आ करके उनको बिना जाने हुए कुछ लोगों को डरा कर धमका करके कि आप नहीं दोगे तो आपको जेल भेज देंगे, तमाम बातें कर करके कुछ कागजातों पे हस्ताक्षर करा ले गए हैं और इस ज़मीन पे काम शुरू करा दिए हैं। पैसा तो भी आ गया है ना, सरकार ने तो पैसा भी भेज दिया उन लोगों के लिए। नहीं, कुछ लोगों का पैसा आया है। हाँ। और कुछ लोगों का पैसा, अधिकांश लोगों का पैसा नहीं आया है। अच्छा, अच्छा। और कुछ लोगों का पैसा कल आया है जब हम लोग आंदोलन शुरू किए, जिस ज़मीन में हम लोग, आप देख सकते हैं, जिस ज़मीन में हम लोगों ने कल काम रुकवाया था परसों, उस ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया गया था। उसके बावजूद जबरन और शोरी पुस्ती से यह कार्रवाई जो है किसानों की ज़मीन पे बुलडोजर चलाया गया और खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया। आपको ये बता दें, किसानों को ये भी नहीं पता है कि उनकी ज़मीन कब अधिग्रहित कर ली गई। अगर ज़मीन आपने अधिग्रहित की थी तो आप पांडर से लेकर के, आप पांडर से लेकर के गोहनिया तक देखेंगे कि सभी जगह किसानों ने सरसों या गेहूं के खेत में बुआई की है। अगर आपने ज़मीन अधिग्रहित की थी तो आपको किसानों को बताना चाहिए था कि भैया आपकी ज़मीन अधिग्रहित की है, आप किसानों ने बोया, जोता, फसल बड़ी हो गई, तब तक आप तो नहीं बताएं, अचानक आप बुलडोजर ले आ करके किसानों का फसल रौंदवाना शुरू कर दिए हैं। और आज भी अधिकांश लोगों को ने अपने कागज भी नहीं दिए, उनको नोटिस भी नहीं मिली हुई है और कुछ लोगों को जो गरीब व्यक्ति थे उनको डरा धमका करके उनकी ज़मीनों पे और पैसे भी लिए जा रहे हैं। उसका भी प्रमाण आप अगर आप यहाँ के किसानों से मिलेंगे, 500-500 रुपये कागज़ के समय, अब जो भी उनका जैसे भी जुगाड़ बन रहा है उतना उनसे आने के बावजूद भी घूस मांग रहे हैं। यहाँ के शासन के लोगों का कहना यह है कि उनके खातों में जो है पैसा पहुंच चुका है, उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है जानबूझ करके इस तरह से कर रहे हैं, शासन के लोगों का कहना है और खासतौर से अधिकारियों का कहना है। हम पूरे किसान वो चाहते हैं जसरा बाईपास बने, जितनी जल्दी प्रशासन बना ले उतनी बने। आपको एक वाक्या बता देते हैं, यहाँ गोहनिया का बाईपास बना हुआ है, वहाँ 2015 में 80 लाख रुपए बीघे के हिसाब से मुआवजा किसानों को इसी सरकार द्वारा ही दिया गया और उसी रकबे से यह बाईपास भी आ रहा है, उसका वो 32 लाख रुपए दे रहे हैं। आखिर 8 सालों में महंगाई बढ़ी है, तमाम चीज़ें बढ़ी हैं, ऐसा कौन सी घटना घटित हुई कि 80 लाख की जगह आपने 32 लाख दे दिया?
नहीं, शासन के लोगों का कहना यह है कि यहाँ का सर्किल रेट इतना ही है, जितना सर्किल रेट है उतना ही दिया जा रहा है पैसा। नहीं, वो सर्किल रेट की बात करेंगे, लेकिन वहाँ दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कानून के हिसाब से, कि या तो सर्किल रेट के हिसाब से दीजिए, या तो जो आसपास की ज़मीन का जो बैनामा हुआ है उस बैनामे में जो हाईएस्ट बैनामे हों उस बैनामे के हिसाब से दिया जाए। तो हम लोग जहाँ जसरा बाईपास में खड़े हैं, यहाँ की ज़मीन 8 लाख का बिस्वा नहीं मिल सकती, जितनी भी ज़मीन जा रही है, यहाँ की ज़मीन की कीमत 2 करोड़ बीघे से कम नहीं है, किसी भी ज़मीन की कीमत। और लोगों से पूछते हैं, किसान नेता है, इनका कहना ये है, और यहाँ के और लोग हैं जिनका खेत जा रहा है, जिनकी ज़मीनें जा रही हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उनको पैसा अभी तक मिला है या नहीं। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? हमारा नाम है बब्बन सिंह। क्या कहेंगे? हम कहेंगे किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, और लेखपाल और गाँव के लोगों को दबा करके, उनको किसानों जिनकी ज़मीन है उनको हड़का करके, आप ले लीजिए नहीं तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, फिर चक्कर लगाते रहोगे, ऐसे कह करके उनसे जबरदस्ती कागज़ में दस्तखत करा के उनके पैसा भेज दिया मनमानी। ना उसके ज़मीन का नंबर की आपके नंबर में कितना आपका हिस्सा बनता है, उसका कितना वैल्यूएशन रुपया कितना बनता है, तो उनको मालूम है कितना हमारे खाते में आया और कितना हमारा ज़मीन जा रहा है, इसका कुछ पता नहीं, केवल खाते में उनके भेज दे रहे हैं। आपकी ज़मीन भी गई है इसमें? हमारी ज़मीन भी गई है। कितना गया आपका? हमारी लगभग 1.25 बीघा की है। अच्छा, आपका पैसा आया? नहीं आया, अभी नहीं आया। नहीं आया। अच्छा, इसलिए नहीं आया कि हम लोग उसका पूछा पूरा नोटिफिकेशन मांग रहे हैं कि पूरा हमारा दीजिए और उचित मुआवजा दीजिए। अच्छा, ये मुआवजा हम नहीं लेंगे। हमारा ज़मीन कीमत 1 रुपया, उसको 4 आना दे रहे हैं, तुम 4 आना बेच के आ। हमारे पास अगर किसी यहाँ से छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास 10-20 है, 15-20 1 बीघा है, उनका आधा चला जा रहा है, तो उसमें उनका गुजरे नहीं होगा। जैसे 10-20 पूरा चला जा रहा है, तो 10-20 में उनके बच्चे विकास कहाँ से करेंगे? सरकार हमको विस्थापन के लिए 4 गुना देती है कि हम लोग विस्थापित हो जाएं। हम 10-20 एक बीघा बेच करके उसका ज़मीन जो मुआवजा मिला उसको दे करके हम कहीं 2 बीघा नहीं खरीद सकते हैं, या उतनी ज़मीन हम कहीं नहीं खरीद सकते हैं। इस अच्छा, ये वाली ज़मीन जिसका है वो मौजूद है यहाँ पर? हाँ, ये वाली ज़मीन जो है 60 लाख रुपया इसका मिल रहा था। दिखाइए दर्शकों, इधर इधर दर्शकों को दिखाइए। यहीं पर बुलडोजर चलाने की जो है कोशिश की गई है, किसानों ने यहां पर रोका है, आप देख सकते हैं दर्शकों, यहां पर बुलडोजर चला हुआ है, यहां पर देख सकते हैं बुलडोजर चला हुआ है, आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर बुलडोजर चलाया गया है। इनका कहना यह है कि हमको मुआवजा उचित रेट पर नहीं दिया जा रहा है, और कुछ लोगों के खाते में भी पैसा नहीं पहुँच पाया है, यही चीज़ें हैं। और आप लोगों की ज़मीनें जा रही हैं? परसों इसी ज़मीन पर परसों बुलडोजर चला जा रहा था, हम लोग रोके हैं, किसान हम लोग हैं, रोके हम लोग, इसका मुआवजा परसों नहीं दिया गया था, कल आनन फानन में इसका। अच्छा, इसका भी मुआवजा भी नहीं आया? नहीं, परसों तो नहीं आया, जबरदस्ती चला रहे थे। अच्छा, जब कहा गया तो कल आनन फानन में कुछ किसानों को मुआवजा दे दिए हैं, और उसका नहीं बताया कितना आपकी ज़मीन जा रही है, उसका क्या रेट होता है। लेकिन इसमें शासन के अधिकारियों का ये भी आरोप है कि कुछ जो है लोग जो है कमीशन खोरी के चक्कर में यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि कोई कमीशन हमसे ले रहा है, कमीशन वो ले रहा है जो वहाँ कागज़ जमा करवाता है और पैसा भेजता है, वो कमीशन ले रहे हैं। अच्छा, वो अधिकारी ले, उनका सिस्टम बना हुआ कमीशन लेने का। किसान, हम लोग किसान के साथ में है, किसान हमारा घर, हमारा परिवार है, हम किसान के, हमारी खुद जमीन जा रहे, हम लोग खुद उनके साथ में खड़े हैं। हमारा शासन का कहना यही है कि ये लोग सरकारी काम को जानबूझ कर रोक रहे हैं, और ये लोग जो है इसमें जो भी चीज़ें हैं मतलब परसेंटेज पे काम कर रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें कुछ आरोप लगा रहे हैं। हमसे गुप्त में बातें हुई हैं प्राइवेट में, तो उनका यही कहना है। देखिए, हम उनके वो प्रमाण के साथ कहें, हाँ। और अगर कोई किसान 912 किसान हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप जा करके उन किसानों से बात करिए कि क्या उन जो मुआवजा दिया जा रहा है वो किसी भी तरीके से, हाँ, कहीं उचित है। या जो किसान, कल महिलाएं भी आई थी, तमाम बच्चे भी आए थे, उनके जीवन का सवाल है। इनका उद्देश्य ये है कि नेताओं पे जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उन पे आरोप लगा करके और किसानों की आवाज़ को दबाया जाए, और जो जिस तरीके से ये मनमानी तरीके से वो जैसे चाहें किसानों को लूटें। अब मैं एक वाक्य आपको और बता दूं, ये जानबूझ करके ये 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक किसानों की ज़मीन को अधिग्रहित किए हैं। उनका कहना था कि हम इतने में कर लिए हैं, तो अब तक किसानों के पैसे क्यों नहीं आए?
अगर आप खतौनी में किसी का नाम लेने जाएंगे तो खतौनी भी नहीं मिलेगी इस रकबे की, मतलब इतना काट के मिलेगा जिनका जिनका गया है। तो किसानों को पहले पैसे दोगे ना, अगर हमारी ज़मीन ले रहे हो तो पहले पैसे दे दो। अब हम परसों आंदोलन किए तो कल आपने पैसे डाले, अब बिना पैसे डाले तो कमीशन, वो कमीशन के चक्कर में, वो हमको बता रहे हैं इनके लेखपाल कमीशन ले रहे हैं, लेखपालों के मुंशी होने लगे, लेखपाल ने भी लेखपाल रखा है, आप पता कर लीजिए। हाँ, अब हम नहीं कह सकते अगर ऐसी कौन सी व्यवस्था है, लेखपालों ने भी लेखपाल रखा है, अब पता नहीं किस आधार पर रखा है। और ये क्या करेंगे, किसानों का मुआवजा जानबूझ के नहीं दिए हैं, जो अभी नहीं दिए, क्योंकि जब किसान जब ये काम लगा देंगे तो किसान परेशान होगा कि भैया हमको पैसे नहीं मिले, हमको पैसे नहीं मिले, तो उनके पास जाएगा, तब वो बाकायदा बारगेनिंग करेंगे। और किसान की ही ज़मीन जा रही है और उसका पैसा देने के लिए उनसे ये पैसे लेते हैं, कई लोगों से लिए हैं, वीडियो आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उपलब्ध करा देंगे। आइए और लोगों से बात करते हैं, और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आ जाइए। आपका भी जा रहा है ज़मीन, क्या नाम है आपका? राम सजीवन। क्या कहेंगे, सरकार का जो फरमान जारी हुआ है कि अब ये बुलडोजर से जो भी कार्रवाई है, काम शुरू किया जा रहा है, इससे खुश हैं? किसान खुश कहाँ हैं, जो रेट गया 8 साल पहले और उसको आधा नहीं मिल रहा है, खुश कहाँ से, किसी की 10 बिस्सा है, किसी की 5 बिस्सा, वो भूमिहीन हो गया, और जितना पा रहा है मौजा उतने कहाँ ज़मीन मिल रही है, तो संतुष्टि नहीं है। और उनको धमकी सटकी दे करके कागज़ ले लिए और पैसे खाते में डाल दिए, किसी खाते में भी नहीं आया है। हम यही कहेंगे अधिकारियों से, आप लोग धमकी देना देखिए बंद करिए, ठीक है? अगर जो भी चीज़ें हैं, अगर इनका काम नहीं हुआ है तो काम जल्द से जल्द कराया जाए, सर्किल रेट के हिसाब से इनको जो है जो भी मुआवजा है उनको दिया जाए जिनको नहीं आया है। सर्किल रेट से नहीं, जो मुआवजे का कानूनी प्राविधान है, जो मुआवजे। और सुनिए, हम लोग लड़ कह रहे हैं, 4 बार कमिश्नर साहब ने बुलाया, 3-4 बार हम लोग SDM से मिले, और 100-150 किसान जाकर के मीटिंग किए, और इनके जो 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 इसको डिसाइड करते हैं वो अधिकारी भी थे, ये NHSLO कहते हैं उनको, और NHI के भी अधिकारी थे, जो भी संबंधित विभाग थे सारे अधिकारी थे, और उसमें सब लोगों ने स्वीकारा है कि किसानों के साथ गलत हो रहा है, गलत मुआवजा बना है। DM भी कह रहे हैं, अभी हम 30 तारीख को मिले थे, फिर मैं 2 तारीख को मिला था, वहाँ भी कह रहे हैं किसानों के साथ गलत नहीं होगा। यहाँ रीता बहुड़ा जोशी जी भी आई थी, उन्होंने भी बात की, तो उन्होंने कहा है तो मुआवजा बहुत कम है। सांसद महोदय, तो हम लोग आंदोलन पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे, वो आकर के आंदोलन तोड़वाई, तो हम तो कह रहे हैं हम गलत हैं, तो आप लोग अपने ऑफिसों में बैठ करके इस बात को क्यों नहीं कर रहे? हम तो कह रहे हैं कि अगर हम गलत हैं तो आप एक लाइन में लिख कर दीजिए, लिखित रूप से, नहीं लिख सकते तो आपके माध्यम से मैं उनसे निवेदन करूंगा। हमने आज एक लेख लिखा है कि सोशल मीडिया पर किसी पत्र के माध्यम से, हम व्यक्तिगत पत्र हमको भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर दें, सोशल मीडिया पर वो आकर कह दें कि किसानों की मांग अनुचित है। हमने जो 4 बार, आप सक्षम अधिकारी हैं, आपसे लोग न्याय की उम्मीद लगा करके गए थे, 4 बार जो हमने किसानों से वार्ता की, वो किसानों को किस बात क्यों की, उसका भी आपने स्पष्टीकरण दीजिए हम लोगों को कि भाई काहे खातिर बुलाते रहे। अरे आप बुलाते रहेंगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, न्याय होगा, तो किसान न्याय की उम्मीद में गया, अब आप नई कहानी गढ़ रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, तो उस समय तो आप नहीं कहे, यही लिख दीजिए जो आप कह रहे हैं। आप सक्षम अधिकारी हैं, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आप 4 बार आपको हम किसानों को दौड़ाते ही रहेंगे। उन्होंने कहा तो देख सकते हैं, सीधा सीधा इनका कहना साफ है कि सांसद महोदय तक आकर के जब भूख हड़ताल ये लोग किए थे, अनशन पे बैठे थे, तो आकर के उन्होंने वादा किया था और आश्वासन दिया था कि आप लोगों का जो ज़मीन है उचित रेट पर लिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो भी स्थिति दिख रही है वो स्थिति क्या सही है या गलत है, ये तो जो है अधिकारियों को ही समझना चाहिए, आकर के यहाँ पर देखना चाहिए। और यहाँ पर और लोग भी हैं, क्या नाम है आपका? सर फिलहाल क्या कहेंगे? सर सरकार तो ऐसे ही कर रही है, समय कि जबरा मारे रोवे न दे। सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। अरे सरकार के तो पूरा सिस्टम लगा हुआ है, अधिकारी कर्मचारी हैं, हम किसको कहेंगे, सरकारी के तो कहेंगे, सरकारी तो कर्मचारी सारे जगह बैठे हैं। पिछले चक्कर बाईपास बना था तो 2015 में 4 लाख का बिस्सा दिया गया था, हम ही को दिया गया था, आज हम ही को 32 लाख बिगह दिया जा रहा है, तो ये कौन सी नियम कानून है? 8 वर्ष बाद तो रेट बढ़ना चाहिए ना? तो
तो ऐसी सरकार को हम सरकार कहती है कि हम किसानों का विकास करेंगे, विनाश कर रहे हैं कि विकास कर रहे हैं। कर्मचारी कहते हैं कि आप लोग के विकास के लिए सड़क बन रही है, तो हम कहते हैं कि एक आदमी को गला दबा करके मार डालो, एक आदमी के विकास करो, तो क्या यही कानून कहता है सरकार का कर्मचारियों का? देखिए, सरकार से सीधा खफा है। और सोचिए कि प्रधानमंत्री को पसंद करने वाले लोग हैं, पसंद करते हो? हम बीजेपी के सब दिन से वोट देते हैं, मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता भी हूँ। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी हैं? हाँ, आज केशव जी यहीं क्षेत्र में घूमते थे तो हम लोगों के यहाँ खाना खाते थे। अच्छा। आज हम लोग जाते हैं तो वहाँ सुन नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे, गोहनिया किस नर्क में जा रहा है। यहाँ किसानों को, गोहनिया वालों को गला दबाया जा रहा है, वो बैठे वहाँ तमाशा देख रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, तो अगर यही गुस्सा रहा तो चुनाव तो फिर आने वाला है। अरे आने वाला है तो बताएंगे नहीं, आने वाला है एक किसान। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। क्या कहेंगे दिलीप जी, क्या लग रहा है आपको, क्या न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है। हाँ। हम लोग साथ मुआवजा नहीं मिला है और काम चालू कर रहे हैं। आपको भी पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला है। नहीं, आपने तो सारे लेट काम किया होगा। नहीं, अभी पैसा नहीं, पैसा भी नहीं आया है और मुआवजा भी बढ़ाने के कष्ट करें मोती जी से। तो देख सकते हैं, हम यही कहेंगे अधिकारियों से, मेरी गुहार है कि आप लोग कोशिश करिए, क्योंकि देश के किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और हमें उम्मीद है अपनी सरकार पर कि वो किसानों के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट, सीधा प्रयागराज के जसरा से। बहुत बहुत धन्यवाद।